हे बच्चों, तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन दैट इज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, एक नोटबुक होना चाहिए। दूसरा चीज़, एक पेन होना चाहिए, कलम। तीसरा चीज़, आप अपने साथ अपना ब्रेन, दिमाग रखना, ठीक है? क्योंकि आप जब दिमाग थोड़ा यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसमें है हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज 5.1 इंट्रोडक्शन से। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जो अभी नोट्स बनाएंगे, ठीक है, अपने बुक में जो भी नोट्स बनाएंगे, वो जैसा भी मैं आपको समझा रहा हूँ और जैसा भी आपको समझ में आता है, जैसे अगर सपोज कोई टॉपिक है, जैसे 5.1 ले लो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैंने जो भी बताया आपको, वो चीज़ अपने वर्ड्स में, खुद के वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, या इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, कैसे भी लिखो, आप उसको खुद के वर्ड्स में लिखोगे। तो इसमें इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी कि ऐसा है, मतलब ये टॉपिक में ये चीज़ दिया हुआ है। अब इससे क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई किसी किसी भी नोट्स का या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन अगर रीड करोगे उस चीज़ का जो आप खुद से समझे हो, तो वो इजीली समझ में आ जाता है, एक ही बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई प्रिंटेड नोट्स अगर आप उसको रीड कर रहे हो, उसके इसमें डेफिनेशन वगैरह रीड कर रहे हो, तो उसमें इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मैं प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड तो कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लेकिन आपको ये नोट्स खुद के लैंग्वेज में बनाना ज़रूर है, बहुत कंपलसरी है, नहीं तो इससे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पहले भी जो चैप्टर्स अभी हुए हैं, तीन कंप्लीट चैप्टर हुए हैं, तो उसके भी वैसे ही करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। और हाँ, एक और चीज़, जो भी यहाँ पे आप लिखोगे खुद के वर्ड्स में, जो भी समझोगे इस चीज़ को, जो भी टॉपिक को, उस चीज़ को एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, वो चीज़ खुद के लिए रखना है, ठीक है, खुद के समझने के लिए। तो एग्ज़ाम में आप क्या लिखोगे, जो भी नोट्स प्रिंटेड नोट्स वगैरह में दिया है, डेफिनेशन वगैरह जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो एग्ज़ाम में वो चीज़ें आप लिखोगे। अब क्या होता है कि अब एक बार समझ में आ गया ना टॉपिक, कोई भी टॉपिक, तो अगर आप कोई भी प्रिंटेड नोट्स वगैरह रीड करोगे तो वो ईजिली समझ में आ जाता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो दो टॉपिक पढ़ा, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा क्या, बॉडी का मोशन पढ़ा। तो जब बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहता है, वेलोसिटी रहता है, एक्सेलरेशन रहता है, इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म, हम लोगों ने अभी तक वो पढ़ा। ठीक है, वो बॉडी का मोशन हो रहा था, वो पढ़ा। तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा कि बॉडी आपका वन डायमेंशन में मूव हो रहा है, मतलब किसी भी एक एक्सिस पर मूव होता है। फिर मोशन इन अ प्लेन में हमने क्या पढ़ा कि टू डायमेंशन में बॉडी मूव हो रहा है, दैट इज 2D, किसी भी दो एक्सिस पर मूव हो रहा है। और उसमें 3D का भी थोड़ा बहुत देख लिए थे, 2D वाले मोशन, 2D वाले, ये दोनों एक ही में हम लोगों ने देखा था, थोड़ा बहुत तो देखा था 3D का। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले, इसमें बच्चों ये पढ़ने वाले हैं कि आपका जो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे गया, मूव हुआ बॉडी, तो उसका कॉज क्या है, वो बॉडी क्यों मूव हुआ, क्या लगा उस पर जो कि मूव हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ यही चीज़ पूरा जो हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 5, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, ये आपका इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, बॉडी जो भी मूव होता है, बॉडी मोशन का, कि कैसे बॉडी मोशन में आता है, उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक, तो जैसे अगर सपोज एक फुटबॉल है, ठीक है, वो आराम से ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, जब तक कोई एक बंदा ना आए, उसको टांग से, अपने पाँव से उसको किक ना कर दे, जैसे उसको किक करेगा वो फुटबॉल मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी मोशन में है, किसकी वजह से, टांग की, ये पाँव की वजह से, जिसने भी मारा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है, वो ग्राउंड पर आराम से एक जगह पे अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन भाई किसी बंदे को अच्छा नहीं लगा वो बॉक्स, उधर रहना, वो बोला कि मैं उसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने हैंड से, हाथ से पुश करेगा बॉक्स को, तो ये बॉडी, ये जो भी बॉक्स है, वो मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या होता है, अब जैसे कोई पत्थर है, स्टोन, वो भाई आराम से धरती पर पड़ा हुआ है, लेकिन किसी किसी बंदे को वो सही नहीं लग रहा है, तो अब क्या करेगा, वो पत्थर को उठाएगा और उसको ऊपर फेंकेगा, तो हाथ से, किससे फेंकेगा, वो हाथ से फेंकेगा, तो पत्थर भी मोशन में आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखते हो, तो क्या आपको नजर आता है, आपको ये नजर आता है कि यहाँ पे देखो, एक किसी न किसी के पाँव से फुटबॉल मोशन में आ रहा है,
किसी ना किसी के हाथ से ये बॉक्स मोशन में आ रहा है, किसी ना किसी के हाथ से ये जो पत्थर है वो मोशन में आ रहा है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो भी आपके पाँव हैं, हैंड, लेग्स, यहाँ पर ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपके एक्सटर्नल एजेंसीज जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ रहा है, ये समझे। इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंसी, जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि ये देखो, ये सारे कॉन्टैक्ट में, मतलब फुटबॉल, जब तक आप पाओ फुटबॉल पे ना कॉन्टैक्ट करो तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। अब हवा में फुटबॉल मारो, देखो मतलब फुटबॉल अगर दूर है, ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल है और यहाँ पे आप टांग मतलब पाँव से मारो, फुटबॉल को जाएगा क्या? नहीं। जब तक ये कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तब तक ये फुटबॉल मोशन में नहीं होगा, सिंपल। वैसे ही जब तक हाथ आपका इस बॉक्स के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तब तक ये बॉक्स हिलेगा नहीं। वैसे जब तक कि आपका जो हाथ है वो पत्थर को पकड़े, अब पत्थर को पकड़ोगे नहीं अपने हाथ से तब तक कि वो पत्थर मोशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक जगह पे जो बॉडी मोशन में हो रहा है वो कॉन्टैक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये सारे किस में आएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आएंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो जो एक्सटर्नल एजेंसीज है यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये यू कैन से कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल एजेंसीज है, ऑल्सो यू कैन से कॉन्टैक्ट फोर्सेस में है। अब हम बात करते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए, ये एग्जाम्पल्स आपके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, ये अपने हिसाब से आप लिख लो, ठीक है। अपने जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आते हैं हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखो, कॉन्टैक्ट फोर्सेज आगे लिखो और कुछ एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। अब मैं बात करूँ, कोई बंदा उसका मूड सटक गया, ठीक है, वो पत्थर लेके गया, पत्थर लेके कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है भाई छत के ऊपर, क्यों जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन वो पत्थर लेके छत के ऊपर गया। अब क्या किया, वो जो पत्थर है उसको नीचे छोड़ दिया, पत्थर को उसने क्या किया, मेरा डायग्राम थोड़ी बेकार है लेकिन कोई बात नहीं, उसने पत्थर को सिर्फ नीचे लीव छोड़ दिया, लीव किया, ऐसा फेंका नहीं, सिर्फ छोड़ दिया। तो जो पत्थर है क्या वो पत्थर मोशन में होगा, हाँ, नीचे की तरफ मूव करेगा वो, तो वो नीचे ग्राउंड की तरफ मूव करेगा, ग्राउंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये भी मोशन में है भाई, लेकिन ये तो, ये इसमें तो मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं है, अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो ये पत्थर कैसे मोशन में आया। तो हम ये देखेंगे कि जो जो पत्थर है इसको ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशन, यू कैन से अर्थ का ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी उस पत्थर को अपने तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैग्नेट है, दो चुंबक, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, थोड़ा थोड़ा सेपरेट रखो तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। अब भाई इसमें तो कोई कांटेक्ट था ही नहीं, इसमें तो अपने पास पास में नहीं रखा था ना, कांटेक्ट था ही नहीं, तो अपने आप ही चिपक गया, अपने आप ही वो मोशन में आ गया। अब जैसे ही वो चिपकेगा तो इसका मतलब वो मोशन में था, ठीक। वैसे ही तो ऐसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, ठीक है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा दूर रखोगे तो उसके बीच में भी अट्रैक्शन होता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये किस में आते हैं बच्चों, ये आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। नॉन मतलब इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल एजेंसीज है, जो एक्सटर्नल एजेंसीज है उसको हम बोलेंगे फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये जो सारे हैं ये एग्जाम्पल्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं, ये समझे। मतलब ज़रूरी नहीं कि बॉडी को अगर कॉन्टैक्ट दोगे तो ही वो मूव करेगा, बॉडी को आप टच करोगे तभी वो मूव करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट की वजह से भी बॉडी मूव होती है, ठीक। तो ये आ गए आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो आगे हमें ये मालूम पड़ा कि किसी भी बॉडी को मूव होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे हमें क्या फोर्स लगाना ही पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना ही पड़ता है। और अगर कोई बॉडी मूव हो रहा है पहले से ही तो उस पर अपोजिंग फोर्स लगा दो, वो बॉडी वहीं पे रुक जाएगा, ठीक। ये हमें ये मालूम पड़ा। तो आगे एक क्वेश्चन उठता है, ठीक, क्या क्वेश्चन आता है, क्या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों ने उसको रफ कर दिया वापस, मैं आपको बताता हूँ क्या बताने रहा था, हाँ, कि कोई भी अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ। देखो कभी भी अगर यूनिफॉर्म मोशन आया तो आप क्या समझना कि वो बॉडी
कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और यू कैन से कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। वो आपका मोशन, देखो लीनियर मोशन भी हो सकता है बॉडी का, या फिर वो सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में मोशन ऑफ प्लेन के 8th पार्ट में देखा था कि जो यूसीएम होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें होता क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है सर्कल में घूम रहा है उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। वैसे लीनियर में भी होता है। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन आया तो आप क्या समझोगे, आप ये समझना कि उस बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, हाँ, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक, तो क्या क्या उस बॉडी पर फोर्स लगते रहना चाहिए तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी सपोज यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो अभी बॉडी सपोज वो यहाँ पे आ गई, अभी बॉडी वो यहाँ पे आ गई, अभी वो बॉडी यहाँ पे आ गई, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो क्या हर पॉइंट पे उसको फोर्स देते रहना पड़ेगा या फिर वो अपने आप ही यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक। ये आपके टेस्ट में इंट्रोडक्शन में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको समझा, जो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है क्या हर पॉइंट पे उसको फोर्स देते रहना चाहिए तभी वो मोशन में रहेगा या फिर नहीं फोर्स देना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5.2 पर हम टॉपिक पर आएंगे, ठीक। तो 5.2 हम टॉपिक पर आएंगे, दैट इज एरिस्टोटले नहीं एरिस्टोटल फॉलोसी, एरिस्टोटल्स फॉलोसी, ठीक। तो इसका जो स्पेलिंग है, इस साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, तो स्पेलिंग बराबर देख लेना या प्रोनाउंसिएशन ही बराबर करना, तोतले नहीं है, टोटल, एरिस्टोटल फॉलोसी। तो जैसा कि मैंने अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन पूछा, तो एरिस्टोटल फॉलोसी ने क्या बताया, एरिस्टोटल ने क्या बताया कि बहुत पहले बताया था, ठीक है, अराउंड कुछ BC बिफोर क्राइस्ट के समय पे बताया था कि क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी मोशन में है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उस पर हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगते रहना चाहिए, ये उन्होंने बताया, ये उन्होंने साफ साफ यही बोला, ठीक है। अब एरिस्टोटल फॉलोसी ने ये ऐसा क्यों बोल दिया, अब क्या हुआ कि इनके साथ ये एक आर्ग्यूमेंट वगैरह में बैठे होंगे, बिफोर क्राइस्ट के समय की बात है, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह की बैठे होंगे कि भाई ये बॉडी मोशन यूनिफॉर्म मोशन में क्यों रहता है। तो उन्होंने ऐसे आर्ग्यूमेंट में बताते बताते उन्होंने ये थियोरी दे दी, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट इनके साथ चला, उसके मतलब उससे चलते उन्होंने ये थियोरी बता दी। हालांकि ये थियोरी सही नहीं निकली, बाद में आके ये गलत निकली, ठीक है। तो ये थियोरी इन्होंने, ये गलत क्यों निकली पहले ये देखते हैं, एरिस्टोटल फॉलो से कि ये थियोरी गलत क्यों निकली। सिर्फ उन्होंने बोल दिया कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगते रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं बताया वो जरा देखते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो क्यों लगता है ना, क्यों लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, काहे को लगता है, ठीक है। उस बॉडी को क्या रोकता है, उस बॉडी को अगर जो भी यहाँ पे बॉडी है उस चीज़ को क्या रोकता है कि मुझे अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है, ये सारी थियरी उन्होंने नहीं दी एरिस्टोटल फॉलोसी ने, ठीक। तो ये थियरी उनकी गलत हो गई, ये जो भी उन्होंने सिर्फ बोला ना सिर्फ फोर्स लगता है, तो ये थियरी उनकी गलत हो गई, ये बाद में गलत हुई, ठीक है। तो बाद में गलत इस चीज़ को कोई ना कोई तो प्रूफ करने के लिए आना ही चाहिए। तो इस चीज़ को पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद इस चीज़ को जो भी प्रूफ करेगा, कौन प्रूफ करने आएगा उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। सपोज एक बच्चा है, कोई भी कोई भी एक बच्चा है, वो क्या करता है, वो एक गाड़ी आती है ना, नॉन इलेक्ट्रिक कार, एक मिनट, ये कार को मैंने बराबर बनाया नहीं, ठीक है, कार कार होता है यार, समझ लो कार है, ठीक है। अब उस बच्चे ने क्या किया, उस कार को रस्सी से बांध दिया, ठीक है। तो अब देखो वो अगर बच्चा उसको रस्सी से, उसको अगर आगे तरफ खींचेगा रस्सी से, तो वो कार आगे की तरफ चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो धीरे से खींचता है, हल्के से धीरे से खींचता है, तो वो कार आगे नहीं चलती है, ठीक, समझ लो कार का वजन थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर वो बच्चा धीरे से उस कार को खींचता है
तो गाड़ी आगे नहीं चलती है, कार आगे नहीं चलती है, तो एक थोड़ा सा फोर्स दे के वो खींचते हैं तो गाड़ी आगे चलती है। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ता है, ये गाड़ी अगर मैं थोड़ा सा फोर्स दे रहा था तो क्यों आगे नहीं चल रही थी भाई, हैं क्यों नहीं चल रही थी? तो हमें ये मालूम पड़ा कि गाड़ी का जो टायर है और ये जो सरफेस है ग्राउंड, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम है उसका? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमेशा ऑपोजिट ऑफ जो हम अप्लाई करते हैं ना फोर्स उसके रहता है, मतलब हमेशा जो भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। ये समझा? मतलब कि अगर गाड़ी को बच्चा ये साइड में फोर्स दे के खींच रहा है तो जो भी इस टायर और ये जो सरफेस है इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट मतलब ये साइड में लगेगा। वो कौन लगाता है? वो सरफेस लगाता है। किस पर लगाता है? वो टायर पे लगाता है। ये समझे? तो यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ा कि वो गाड़ी मोशन में कब आएगा, क्योंकि बच्चा तो पहले भी थोड़ा थोड़ा फोर्स दे रहा था लेकिन गाड़ी तो आगे चल नहीं रही थी। तो हमें ये मालूम पड़ा कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर वो बच्चा 4 न्यूटन फोर्स दे रहा है, कितना फोर्स दे रहा है? 4 न्यूटन फोर्स दे रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 5 न्यूटन है, ठीक। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है? 5 न्यूटन, ये याद रखना फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ता है कि जो बच्चा है वो फोर्स कम दे रहा है, क्यों? एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टायर को रोक ले रहा है, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो बच्चा फोर्स को अप्लाई कर रहा है वो टायर को रोक दे रहा है, इसके लिए वो गाड़ी आगे नहीं जा रहा है। अब जैसे बच्चे ने 5 न्यूटन दिया, मतलब सेम हो गया, अब देखो अब ये अपोजिट फोर्स लग रहा है बॉडी पे, अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो ये 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स और जो बच्चा फोर्स दे रहा है अप्लाइड फोर्स, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, है ना? तो जो अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाते हैं फोर्स, तो ये गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक कांस्टेंट, यू कैन से कांस्टेंट मोशन। यहाँ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये गाड़ी यहाँ पे कांस्टेंट मोशन मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी, जब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू ये अपना अप्लाइड फोर्स होता है तभी, ठीक है। तो वो गाड़ी जस्ट स्टार्ट हो मतलब जस्ट मूव होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि वो तो ये फोर्स को तो कैंसिल हो गया है, ठीक। तो अभी क्या होता है कि जैसे बच्चे ने 6 न्यूटन दिया, 6 न्यूटन, तो वो गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हो गया, इससे 1 न्यूटन ज़्यादा है भाई, अप्लाई ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 6 ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो गाड़ी वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, फिर वो गाड़ी आगे लेके जाएगा। तो बच्चा ये इससे हमें ये ऑब्जर्व ये जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि भाई हम फोर्स बॉडी पे कब लगाते हैं, जब आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है तब। और यू कैन से कि अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है, किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, हम फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं बॉडी पे। तो ये तो एरिस्टोटल ने बताया नहीं था, एरिस्टोटल ने बताया नहीं था कि भाई हम फोर्स क्यों लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, बताया था क्या? नहीं बताया था, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कवर किया कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको फोर्स लगाना ज़रूरी है, वो भी या तो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल फोर्स लगाओ या उससे ज़्यादा लगाओ, ठीक है, बॉडी पर, ठीक है भाई। यहाँ से हमने क्या डिस्कवर किया कि फ्रिक्शन रहता है, इसकी वजह से हम फोर्स लगाते हैं, ठीक। अब देखो अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हर जगह है, एवरीवेयर फ्रिक्शन फोर्स हर जगह आपको मिल जाएगा यार। अगर मैं बोलूँ इस पे मैं चल रहा हूँ तो मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, रुक रुक के चल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑपोजिट वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस बोर्ड का, ठीक है। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स सामने से लग रहा है मेरी तरफ, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स मुझे आगे से लग रहा है ऑपोजिट, तभी तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल पा रहा हूँ, ठीक। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, हमें जो लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए, लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें जो सरफेस लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा? फ्रिक्शन लेस सरफेस लेना पड़ेगा, मतलब जिस सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो। तो मोशन को अगर समझना है तो हमें फ्रिक्शन लेस सरफेस लेना ही पड़ेगा, और ये किसने लिया? ये गैलीलियो ने लिया, ठीक। तो मोशन को समझने के लिए पहले हमें सरफेस जो रहेगा वो फ्रिक्शनलेस लेना पड़ेगा, उसके बाद हम थोड़ा बहुत मोशन के बारे में जान पाएंगे। तो चलो भाई अब यहाँ पे आते हैं गैलीलियो, ठीक।
गैलीलियो जी आ गए यहाँ पर। गैलीलियो जी ने क्या बोला कि अगर हमें मोशन को समझना है, अगर हमें मोशन को समझना है तो हम एक ऐसी दुनिया में जाना पड़ेगा, एक ऐसी दुनिया में जहाँ फ्रिक्शनलेस दुनिया है, ठीक है, जो दुनिया फ्रिक्शनलेस है। लेकिन एक्चुअल में ऐसी दुनिया शायद नहीं है फ्रिक्शनलेस। हाँ, ऐसे सरफेस पे हो सकता है, जैसे आप वो स्केटिंग वगैरह देखते हो ना, आइस स्केटिंग जहाँ पे करते हैं, या देखा होगा आपने यूट्यूब वगैरह पे आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो आइस वगैरह पे देखोगे तो आप फ्रिक्शन उसमें कम रहता है, इसके लिए स्लिप ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हल्का सा भी अगर उस पर पाँव भी रख दोगे तो स्लिप हो जाता है, तो उस वो तो आदत होती है, वो संभलने की आदत होती है, वो हैबिट हो जाता है। तो वो जो भी वहाँ पे स्केटिंग करते हैं वो एक्सपर्ट्स रहते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, उनको हैबिट रहता है। तो जैसे कि हमने बात किया लॉ ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये ज़रा देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस लेंगे। तो गैलीलियो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या कि एक इंक्लाइन सरफेस हो गया, ठीक है, और एक प्लेन सरफेस हो गया, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है दोनों, ठीक, फ्रिक्शनलेस। ओके, तो अब क्या होता है कि यहाँ से मैंने बॉल को लीव किया, बॉल को लीव किया, तो जैसे ही बॉल को लीव किया वो थोड़ा एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में तो थोड़ा एक्सेलरेट हो गए। फिर एक्सेलरेट होने के बाद वो बॉल मोशन में हो गया, वो बॉल मोशन में हो गया। तो एक टाइम बाद ऐसा देखा गया कि ये जो बॉल मोशन में चल रहा है वो मोशन यूनिफॉर्म, मतलब यू कैन से कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में वो चलते रहेगा, क्योंकि जो सरफेस है तो फ्रिक्शनलेस है, तो वो तो रुकने का नाम ही नहीं रहेगा। वो बॉल रुकेगा क्यों, कैसे रुकेगा, पहले जब तक कि कोई सामने से फोर्स ना आ जाए वो रुकेगा नहीं बॉल, क्योंकि ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है और कोई सरफेस अपोजिट फोर्स भी नहीं लगा रहा इस बॉल पे, क्योंकि यू क्यों, क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो हमने वो देखा कि वो जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे भी हल्का सा, अब यहाँ पे हल्का सा फोर्स दे दो, तो जैसे ही आपने हल्का सा फोर्स दिया ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो बॉल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो ये जैसा कि हमने ऊपर देखा था वैसे ही यहाँ पे जो बॉल रहेगा वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में यही देखा, नीचे वाले भी एक्सपेरिमेंट में यही देखा, कि जब भी आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस रहता है और आप एक बार उसको हल्का सा फोर्स देके, या फिर ऐसा आप जैसे इंक्लाइन प्लेन पे लेके एक्सेलरेट करके थोड़ा छोड़ दो, तो वो अपने आप ही कांस्टेंट वेलोसिटी में आ जाता है, अपने आप ही कांस्टेंट वेलोसिटी में। तो जैसा कि एरिस्टोटल ने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था, क्या बोला था, कि मोशन, अगर बॉडी का मोशन है तो उस पर फोर्स लगते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, वापस मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई इस पे तो एक ही बार हल्का सा फोर्स दिया यहाँ पे, उसके बाद वो जो बॉल है वो तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और ऊपर भी हमने ये दिया एक ही बार वो अपने आप एक्सलेट हुआ, उसके बाद वो बॉल आगे चलते जा रहा है, तो यहाँ पे तो हमको फोर्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो यहाँ पे एरिस्टोटल यहाँ पे गलत हो गया, एरिस्टोटल जो कि जिसने जिन्होंने बोला था कि वो फोर्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एरिस्टोटल भाई साहब गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि वो बॉल चलते रह रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, और ना तो उस पर मुझे एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ रहा है, ना तो कुछ करना पड़ रहा है, और ना बॉल रुक रहा है, वो चलते जा रहा है। तो यहाँ पे आप एरिस्टोटल भाई साहब गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कवर हुआ इनर्शिया के बाद, ठीक, कैसे डिस्कवर हुआ जरा देखते हैं। तो अब हमने क्या डिस्कवर किया, गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कि कैसे है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये दोनों जो स्टेट है, ये दोनों जो कंडीशन है, ये सेम होता है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट होता है। अब कैसे इक्विवेलेंट होता है वो जरा देखते हैं। देखो, अगर ये तो बॉडी मूव हो रहा है, याद रखना, ये बॉडी मूव हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, कैसे इक्विवेलेंट होता है जरा देखते हैं। तो देखो, एक चीज़ होता है आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, वो जरा देखते हैं। तो सपोज एक बॉडी है, ठीक है, वो चाहे यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में, ये दोनों की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो हर जगह से फोर्स लगता है। अब जैसे मैं बात करूँ, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, न्यूटन,
यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि हर एक 5 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। तो ये 5 न्यूटन इसको कैंसिल कर रहा है, ये 5 न्यूटन इसको कैंसिल कर रहा है। तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और बॉडी रेस्ट पर है तो उधर ही रहेगा। ये समझा? तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, नेट मतलब टोटल, नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ पर, वो क्या है, वो जीरो है यहाँ पर, क्योंकि हर एक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते रहेगा, क्योंकि हर जगह से सेम फोर्स लग रहा है ना, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहेगा, चलते रहेगा, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलते रहेगा। ठीक है, और बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी यहीं पर रुका रहेगा, क्योंकि हर जगह से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक, ये होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसको हम एक और चीज नाम देते हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया ये, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, मतलब हर एक जगह से फोर्स बैलेंस हो गया है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब दूसरा एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर सपोज सपोज यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ से फोर्स इस बॉडी पर 10 न्यूटन लग रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला फोर्स इसको कैंसिल तो कर दिया, लेकिन ये वाला फोर्स इसको कैंसिल नहीं कर पाया। 5 न्यूटन तो कैंसिल कर दिया, लेकिन 5 न्यूटन और कैंसिल नहीं कर पाया। तो इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नेट एक्सटर्नल जो फोर्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नेट एक्सटर्नल जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, बता बता दो, 5 न्यूटन। और डायरेक्शन वगैरह वेक्टर में अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन भी बताएंगे कि वो साइड में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। आपके टेस्टिंग में हालांकि ये दिया नहीं है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब अनबैलेंस है ना, एक जगह से अनबैलेंस है, कहीं किसी भी एक जगह से अनबैलेंस हो तो उसको अनबैलेंस ही बोलेगा, ये हर जगह से बैलेंस है। ये समझा? तो ये नोट कर लेना अपने हिसाब से जैसा आपको समझा। ठीक है, अब ये पहले ये चीज़ नोट कर लो, फिर हम इस पे आते हैं। जैसे मैंने नेट एक्सटर्नल फोर्स बताया, इस पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स बताया। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, तो जैसा कि मेरे को नेट एक्सटर्नल फोर्स मालूम पड़ गया कि क्या होता है, तो गैलीलियो भाई साहब ने इसको, गैलीलियो साइंटिस्ट थे यार, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ दोनों कंडीशन को इक्विवेलेंट बताया। और क्यों इक्विवेलेंट बताया, इसी वजह से जो भी मैंने बताया ना, कि क्या होता है कि इन दोनों कंडीशन में, ये दोनों स्टेट में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर, वो क्या रहता है, वो जीरो जीरो रहता है ये दोनों कंडीशन पे, चाहे वो बॉडी रेस्ट पर हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन पर। यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझ में आता है ना क्या, कि बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उस पर अलग से जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो यहाँ इसको हम मान सकते हैं कि रेस्ट पर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, इस कंडीशन में तो एक्सेलरेशन जीरो है, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ। अगर मैं बोला कि ये इक्विवेलेंट है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लग ही नहीं रहा ना उसमें। अगर बॉडी चल रही है एक यूनिफॉर्म, सपोज उसकी वेलोसिटी लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है। जब तक ये, अब कोई ग्राफ बताया था मैंने, याद है ग्राफ, कि अगर कांस्टेंट कांस्टेंट, अगर मेरा कांस्टेंट क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है, तो एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन का स्लोप क्या आता है, जीरो आता है, बताया था ना मैंने। ठीक है, तो ये याद रखना, ग्राफ मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन वहां पे बिल्कुल नहीं रहता है, याद है, याद है ना कि भूल गए इसका। मैं चलो मैथमेटिकल भी बता देता हूँ, जैसे सपोज टाइम है, पहले मैं मैथमेटिकल चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं अपन उस पर आते हैं। ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, तो टाइम सपोज आपका बढ़ते जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है ना, हर टाइम पे कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन बात करोगे तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूँ बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 2 माइनस 2, जीरो। बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी में बोला तो 2 माइनस 2, जीरो। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, चल रहा है, तो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो रहेगा।
तो इसमें इससे मैंने क्या देखा कि दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में जो मेरा एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, जीरो। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने एक डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा सा दे दिया कि हर एक बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन पे हो, वो क्या, वो रेस्ट पर ही रहेगी और वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई ना हो, जैसे कि यहाँ पे 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ पे तो जीरो है ना। तो ये आपका एक डेफिनेशन बन गया। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, बॉडी की बात कर रहे थे, है ना। कोई भी बॉडी रेस्ट पर है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमको मिली, ये प्रॉपर्टी किसकी, इस बॉडी की, दोनों जो बॉडी की प्रॉपर्टी मिली, इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है, अरे प्रॉपर्टी की स्पेलिंग सही है ना, हाँ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज नोन एज, इज कॉल्ड, या यू कैन से इज कॉल्ड इनर्शिया। भाई यहाँ पे आ गया इनर्शिया, ठीक है, समझा। ये बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिस जिसमें क्या होता है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन पे तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो तब तक। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ये समझा इनर्शिया। अब इनर्शिया एक्चुअल में क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। तो देखो इनर्शिया का जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो दिया है कि रेजिस्टेंट टू चेंज, रेजिस्टेंस ठीक टू ऑफ चेंज, सॉरी रेजिस्टेंट टू ना टू चेंज, ठीक। ये आपका टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन, एक एक दो और तीन वर्ड का डेफिनेशन दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि अब एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे जैसे एग्जांपल यही ले लो, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन नहीं लगा हूँ, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या वो बॉडी मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बॉडी की एक टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, कि वो एक पर्टिकुलर फोर्स जब हम इस पर लगाएंगे तभी वो मूव होगा। अगर उससे कम आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो बॉडी मूव नहीं होगा, ये समझा। तो यही इस बॉडी की इनर्शिया है, ये समझा ना आपको, इनर्शिया क्या होता है, मतलब इस बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने आप को चेंज होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से रोकेगा। अगर इस बॉडी पे मैंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये मूव हो गया, अभी मैं थोड़ा 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 सा फोर्स अप्लाई किया तो मूव नहीं हो रहा है। अभी देखो अभी भी थोड़ा मैं फोर्स अप्लाई किया हूँ, आपको दिख रहा है नहीं किया लेकिन मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब आपको समझ गया कि इनर्शिया मतलब क्या होता है। इनर्शिया मतलब इसको हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में एक और लाइन का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, रेजिस्ट चेंज इन इट, ठीक है। मतलब खुद के बॉडी में वो चेंज, मतलब एक जगह पे है तो दूसरे जगह पे नहीं आएगा। कब तक, जब तक कि उस पर एक जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, एक प्रॉपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक, ठीक है। इसको हम इनर्शिया बोलेंगे, समझे, समझ में आया आपको। तो इसमें वही आपका एग्जांपल आया था, जब तक कि वो बॉडी रेस्ट पर था और दूसरा वाला कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन में था, है ना। तो इसमें ये जो एग्जाम्पल इसी के लिए तो है, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन पे तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो रहेगा तब तक, ठीक है। तो ये बॉडी की कुछ टेंडेंसी होती है जो अपने आप को चेंज करता है, क्या होने से, मोशन में होने से, मोशन में आने से, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया। तो चलो भाई हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 5.4। तो जो एरिस्टोटेलियन ने अपना मैकेनिक्स का डेफिनेशन दिया था कि हर पॉइंट पे अगर बॉडी मोशन में हर पॉइंट पे उसको फोर्स लगना चाहिए, तो वो एरिस्टोटेलियन यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है, गलत हो गए। तो एरिस्टोटेलियन की जो मैकेनिक्स है, इसको हम बेसिकली मैकेनिक्स बोलेंगे, वो फेल हो गए। तो यहाँ से आपका न्यू मैकेनिक्स का जन्म होता है, इस न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से न्यू मैकेनिक्स यहाँ पे जन्म लेता है, ठीक है, द बर्थ ऑफ न्यू मैकेनिक्स, यू कैन से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन है उन्होंने काफ़ी स्टडी किया,
आपको पता ही होगा न्यूटन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने ग्रेविटी का भी वो निकाला है, ठीक है, तो उन्होंने लॉ ऑफ मोशन भी निकाला है, ठीक है। हालांकि न्यूटन ने काफ़ी और सारे फील्ड में अपने हाथ मारे, जैसे लाइट थियरी हो गया, वो सब में अपने मतलब उन्होंने उसमें भी दिमाग लगाया अपना, बट उस चीज़ में लाइट थियरी में फेल हो गया, बट मैकेनिक्स में ये ज़्यादा कामयाब हो गए, ठीक है। तो जब भी मैकेनिक्स का नाम आए तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट रहेगा वो न्यूटन्स, मतलब जो जड़ है, नींव है, मैकेनिक्स का जो जड़ है वो न्यूटन ने ही दिया है। हालांकि इसके पहले गैलीलियो ने हल्का सा हिंट दिया था, जैसे अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा ना, तो न्यूटन ने उनको ही स्टडी किया गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया से, फिर उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया से लॉ ऑफ मोशन निकाले। तो हम इसमें पहला फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, ठीक। तो जो पहला लॉ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैलीलियो यहाँ पे हिंट देके गए थे, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया का, तो जो पहला लॉ था वो उसी पे बन गया, फर्स्ट लॉ जो था वो उसी चीज़ पे बना जो गैलीलियो देके गए थे, लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं, जो कि गैलीलियो ने फर्स्ट दिया था, पहले दिया था। तो आप ऐसे बोल सकते हो, तो यार तो गैली तो मैकेनिक्स का जो चीज़ है वो तो गैलीलियो ने दिया है ना, लेकिन एक प्रॉपर जो डेफिन मतलब प्रॉपर जो मैकेनिक्स का जड़ है वो न्यूटन ने दिया था, क्योंकि इन्होंने तीन लॉ ऑफ मोशन दिए थे, गैलीलियो तो खाली एक ही बता के गए थे ना, ये लॉ ऑफ ऐसा इनर्शिया वगैरह होता है, ठीक है। तो भाई हम फर्स्ट लॉ देखते हैं। अब फर्स्ट लॉ आपको पता ही है, इसके पहले मैंने अभी आपको पढ़ा है, बोलो क्या था, कि वो ये था कि एवरी बॉडी, हर एक बॉडी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया, तो अभी आप जो भी डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक में, ये डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ, टू बी इन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ अपने टेक्स्ट बुक का। जैसा कि लॉ ऑफ इनर्शिया आपको समझ गया, तो ये डेफिनेशन भी इजीली समझ जाएगा। मैंने क्या बोला था, आप अपने लैंग्वेज में समझ लो उस चीज़ों को, तो ये जो डेफिनेशन है वो तो मतलब पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे एवरी बॉडी, हर एक बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वही जो मैंने बताया था, एक बॉडी रेस्ट पर है, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक। यही मैं जो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में देखा, यू एम लिखता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यू एम। तो हाँ, इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में रहेगा, सर्कुलर मोशन यहाँ पे की बात नहीं चल रही थी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है। अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज, मतलब वही चीज़ हो गया ना, कि हर एक बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल नेट जो एक्सटर्नल फोर्स ना लगे इस चीज़ पे, यही था ना यार लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका फर्स्ट लॉ, देखो क्या था इसमें, कुछ था क्या, कुछ नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा, क्या रहेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, ये हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में देखा था, ठीक। फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है दोनों बॉडी पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी, ये हमने देखा था, ठीक है, इसके पहले एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का एक और डेफिनेशन है, उसको मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, जैसे ये रहा डेफिनेशन, तो ये क्या है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन जीरो। सीधी सी बात, अभी जो मैंने बताया एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो तब रहेगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे रहेगा तब, ये तो मैंने आपको बताया है, वही चीज़ है। तो न्यूटन्स लॉ को ये भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेन डेफिनेशन आपका यही है, ठीक है। तो भाई वही चीज़ है यहाँ पर, ये समझ गए आप, ओके। तो अब हम न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ जो है आपका, देयर इज जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके ऊपर हम कुछ सिचुएशंस लेने वाले हैं, दैट इज यू कैन से हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा तो ठीक है, याद रखना एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सेलरेशन कब होगा, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ रहेगा तब होगा एक्सेलरेशन। तो अब ज़रा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैं इसको रफ करता, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल हम जी भर जी हो। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्पेसशिप का, ओके। सपोज एक स्पेसशिप है, स्पेसशिप, मैं स्पेसशिप को भी बॉक्स जैसे बना रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि ये स्पेसशिप है, ठीक है, वो स्पेस में है, मतलब अर्थ के बाहर है बेसिकली। अब क्या होता है कि जब अर्थ के वो बाहर होता है, तो स्पेसशिप पे कोई ज़्यादा फोर्स लग रहा नहीं रहता है, लेकिन हमको ये पता है कि जो
अब क्या होता है कि जो स्पेसशिप है उसके आसपास एकदम पास में, मतलब दूर दूर है लेकिन एकदम पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई, मतलब जो सन है वो बहुत दूर है, जो स्टार है वो भी बहुत दूर है, ठीक है, जो प्लैनेट है वो भी बहुत दूर है, ठीक है। ये स्पेसशिप जो है, स्पेसशिप से ये सारे बहुत सारे दूर है, मतलब इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया टेक्स्ट बुक में, ठीक, ये दूर है, काफ़ी दूर दूर है। लेकिन ये जो स्पेसशिप है इस पर जो न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, तो कैसे होगा वो ज़रा देखते हैं। तो जैसा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो बॉडी है उस पर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता है। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो रहती है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है इसका मतलब क्या है? जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, ये यह हमें बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है इसका मतलब क्या, ये एग्जांपल से मुझे यही बताना है। जो स्पेसशिप का एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, उस चीज़ से क्या बताना चाह रहा है वो ज़रा देखते हैं। वो क्या बताना चाहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो मतलब क्या जीरो? तो जैसा कि हम जानते हैं स्पेस में और भी सारे रहते हैं फोर्सेस, मतलब ग्रेविटी की अगर बात करें तो ग्रेविटी इज एवरीवेयर, ठीक है, ग्रेविटी इज एवरीवेयर, तो ग्रेविटी तो लग ही रहा है इस बॉडी पे, इसका मतलब फोर्स लगना चाहिए, है ना, इस बॉडी मतलब स्पेसशिप पे, उस पर फोर्स तो लग ही रहा है। लेकिन लेकिन जो सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, जो भी ग्रेविटी के फोर्स और भी जो भी फोर्सेस लगेंगे, वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये कि जो उस पे वेरियस फोर्सेस लगेंगे, किस पे, स्पेसशिप पे, जो वेरियस, यू कैन से वेरियस एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वेरियस एक्सटर्नल जो फोर्सेस लग रहे हैं किस पर, स्पेसशिप पर, वो क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट ईच अदर, जैसे कि मैंने बताया कैंसिल कर दे रहे हैं, कैंसल आउट, ठीक है, कैंसल आउट ईच अदर, यू कैन से, ठीक। तो इसका ये बोलने का मतलब क्या था, यहाँ पे ये बोलने का मतलब था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ जो है, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता है, इसका मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है कि हर एक फोर्स कैंसिल कर देता है, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो हर एक फोर्स कैंसिल कर, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले दो एग्जाम्पल लेके बताया था, एक बैलेंस फोर्स एक अनबैलेंस फोर्स लेके, तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है। मतलब वो चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेज वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक और ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम बुक का, ठीक है, और दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे कार का, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कार, मतलब कार जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो बुक का क्या है कि एक टेबल है, ठीक, उस टेबल पे ना बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये बुक रखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, गैलीलियोज जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना वो सेम ही, दोनों इक्वल ही है, याद रखना। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग बोलेंगे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलेंगे। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बताया लेकिन मैं आपको पहले बता चुका था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हमने टॉपिक देखा था ना लॉ ऑफ इनर्शिया, तभी तो इसका फर्स्ट लॉ का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो एक पहले हम बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यों बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि बुक यहाँ पर रेस्ट पर है। तो एक हम रेस्ट का एग्जाम्पल लेंगे और एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे कार लिखा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा, तो जो बुक है इस पर ना दो फोर्स लग रहे हैं, फिलहाल के लिए हम देखते हैं दो फोर्स लग रहे हैं जो टेबल पर रखा है, बताओ कौन कौन से फोर्स, सोचो सोचो, ठीक है आपने, ठीक है आप सोचो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जरा सोच लो, ठीक है मैं बताता हूँ। तो देखो उस बुक पे ना दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग गया जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग गया, तो वो फोर्स आपका बेसिकली वेट होता है, वेट, ठीक। अब जो दूसरा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो फोर्स है आपका टेबल जो है, टेबल, टेबल का जो सरफेस है वो फोर्स लगाते हैं बुक के ऊपर, वो भी परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बुक के ऊपर परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा कि जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम आर से कंसिडर करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को किसे कंसिडर करते हैं, आर। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस लगाता है परपेंडिकुलर टू दी जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये तो अभी डिटेल में ज़्यादा दिया नहीं है, तो अब फिलहाल इतना देख लो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो फोर्स लग रहा है, अब ये दोनों जो फोर्स है वो अपोजिट है, हाँ अपोजिट है,
तो क्या होता है कि ये दोनों जो फोर्स रहते हैं सेम रहते हैं, तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देता है। मतलब जो यहाँ पे डब्ल्यू जो रहता है, वेट वाला फोर्स रहता है, इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको पहले ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग पहले इसको कंसिडर नहीं करेंगे। पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, पहले हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जर्व कैसा कर रहे हैं। इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो रेस्ट पर है, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, इसका मतलब जो भी उस पर फोर्सेस लग रहा होगा ना, वो इक्वल होगा। ये समझा, हम इस ऐसे कंसिडर करें। हम लोग पहले ऐसा नहीं बोले कि जो वेट का फोर्स है वो इज इक्वल टू नॉर्मल डिरेक्शन है, तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वजह से जो बुक है वो रेस्ट पर है। तो जैसा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स, वो जीरो होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि बुक इज एट रेस्ट, बुक इज एट रेस्ट, सो दस जो वेट का फोर्स है इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ठीक है। तो मतलब पहले हम वो देखेंगे ना, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो रेस्ट पर है कि यूनिफॉर्म मोशन में, उसके हिसाब से हम फोर्स बताएंगे कि वो दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है। ये समझा, तो बस ये है आपका ये वाला एग्जाम्पल, बुक का एग्जाम्पल। अब हम कार का एग्जाम्पल देखते हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक। अब कार का एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपका ये कार है, ठीक। तो ये कार जब स्टार्टिंग में तो रुका हुआ है, तो स्टार्टिंग में जब रुका हुआ है तो सीधी सी बात है न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगे यहाँ पर। लेकिन जब ये एक स्पीड पकड़ता है, स्टार्टिंग में जब रुका रहेगा तो इस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, जिसको बोलेंगे नेट फोर्स, वो आपका क्या रहेगा, स्टार्टिंग में जब रुका रहेगा तब तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है। लेकिन जैसे ही वो मूव होना स्टार्ट किया तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ तो रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू, जीरो लिख रहा हूँ मैं, सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो अब एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, जीरो के अलावा कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो वो एक्सेलरेट करता है। तो जब भी ये कार एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होता है कि एक्सेलरेट करने के बाद वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यू कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब जो कार है वो एक स्पीड पकड़ लिया, मतलब जब स्पीड पकड़ा तब नेट फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब नेट फोर्स लग रहा था, जब नेट फोर्स मतलब वो तो इंटरनल, वो कार के उससे नेट फोर्स लगाएगा ना, वो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा वो कार को, ठीक है। तो जब भी वो नेट फोर्स लग रहा था, जब भी वो कार एक्सेलरेट कर रहा था, तो नेट फोर्स किसकी वजह से लग रहा था, किसकी वजह से, इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लग रहा था, ठीक है। फ्रिक्शन, क्योंकि टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स तो रह गया, तो नेट फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लग रहा था। अब क्या होता है कि एक्सेलरेट करने के बाद अब वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। तो अब जो नेट फोर्स यहाँ पे लगेगा, एक बार यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ गया बॉडी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है, यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, तब नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। इसका मतलब समझा, आपको क्या बताना चाहता है कि जब बॉडी रेस्ट पर था तब नेट फोर्स यहाँ पर जीरो था, जब एक बार एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ बॉडी तब नेट फोर्स कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, ठीक। क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगा ना। और यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा था, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लग रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड ग्राउंड। अब क्या हो गया कि अब बॉडी जो है, कार है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ गया, तो अब नेट फोर्स क्या लग गया बॉडी पर, अब लगे हैं जीरो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपका कार का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा। अब बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बस का लेते हैं, बस, ठीक। बस आपको पता ही है, बस में हम लोग जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो देखो, आपकी जो बॉडी है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो क्या है, वो डिफॉर्मेबल, दैट इज बोल सकते हैं कि वो रिजिड नहीं रह सकता है। दो टाइप की बॉडी होती है, एक डिफॉर्मेबल और रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी मतलब जैसे ये मार्कर, ठीक है, वो कहीं से भी मतलब मुड़ नहीं सकता है ना, अगर यहाँ से बीच में से मोड़ो मुड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि ये रिजिड है, रिजिड बॉडी है, इसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन आपका बॉडी मुड़ सकता है, मूव हो सकता है, मतलब कमर से आप मूव हो सकते हो ना, अगर आपका कमर जो है ना, वो कमर आपको पता ही है क्या होता है, बैक कमर, तो उससे आप ऐसे पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। जैसे आप बस में ट्रैवल करते हो, जैसे बस आगे एक्सेलरेट करता है तो आपका जो ऊपर का पार्ट है वो पीछे जाता है ना,
याद है ना, तो आपका जो बॉडी है वो मूवेबल है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल है, और ये रिजिड बॉडी है। रिजिड, आपका बॉडी रिजिड नहीं है, आपका बॉडी डिफॉर्मेबल है, ये याद रखना। तो अब हम बस का एग्जांपल लेते हैं। तो बस में क्या होता है, बस में क्या होता है कि जैसे ही बस चलता है, जैसे ही बस चलता है, बस अचानक उसने एक्सेलरेट किया, क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो जो भी रहता है आपका बॉडी, आप कैसे ऐसे हो जाते हो, हैं ठीक, इसका मतलब जो आप कमर से पीछे हो जाते हो थोड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका, जहाँ पे आपका सरफेस है और जो आपका पाँव है जहाँ पर, वो उधर का उधर ही रहता है, आपका बॉडी पीछे हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो पाँव है वो उसके साथ ही रहता है, बस के साथ ही रहता है। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि जो आपका पाँव है यहाँ पर, टांग यू कैन से, तो जो आपका यहाँ पे पाँव है, ठीक है, पाँव, वो बस के साथ जाता है, लेकिन जो आपका बॉडी है वो पीछे की तरफ हो जाता है, यू कैन से जर्क लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये जो आपका पाँव है वो आगे क्यों जाता है, वो फ्रिक्शन की वजह से जाता है, क्योंकि आप फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो जो पाँव है वो उधर ही है, बस आगे जाएगा तो अब जो पाँव है ना उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसकी वजह से वो उधर ही रहता है एज इट इज, जहाँ पे पाँव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से अपना आपका जो पाँव रहता है उधर ही रहता है, लेकिन अब बॉडी इधर ही क्यों रह जाता है, क्योंकि बॉडी इनर्शिया की वजह से इधर रह जाता है। क्या होता है कि पहले सपोज बस यहाँ पे था, ठीक है, बस यहाँ पे था, ठीक है, तो जब बस यहाँ पे था तो आप ऐसे सीधे खड़े थे, ऐसे सीधे खड़े थे, ठीक है, ऐसे सीधे खड़े थे, जैसे बस आगे हुआ तो आपका पाँव बस के साथ तो आगे हो गया, लेकिन आपकी बॉडी जो है वहीं पर रहेगी, आपका जो ऊपर का पार्ट है बॉडी वहीं पर रहेगा इनर्शिया की वजह से, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जो तो जो आपका ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये इनर्शिया की वजह से उधर ही रहेगा, लेकिन बस आगे जाएगा और पाँव में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से पाँव भी आगे जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये पाँव भी पीछे चले जाता, आप समझ रहे हो, अगर इधर पाँव, आपके पाँव के बीच में और बस के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहता तो आपका पाँव, आपका बॉडी दोनों साथ में पीछे चले जाते हैं, समझे। तो फ्रिक्शन की वजह से वो उधर रुक गया पाँव, लेकिन बॉडी आपका उधर का उधर क्यों रहेगा, बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे इनर्शिया एक्ट करेगा, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, पता है ना इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर तो कोई नहीं फोर्स लग रहा है ना यार, बॉडी के ऊपर अब कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से बॉडी उधर ही रुका रहता है और पाँव आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका अंदर, जो भी जब भी आप बस एक्सेलरेट करता है ना तो यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सी साइड लगेगा जरा ये देख लेते हैं। तो जैसे बस एक्सेलरेट आगे हुआ तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो पीछे लगता, पीछे की तरफ लगता, तो आप पीछे जाते, आपका पाँव भी पीछे जाता है, लेकिन आपका पाँव आगे जा रहा है, तो जो आपका पाँव और जो बस का सरफेस है उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है, ठीक है, क्योंकि आप चलते हो तो ऐसे आगे की ऐसे चलते हो ना, मतलब आप पीछे की तरफ फोर्स देते हो, आप चलते हो ना आगे तो ऐसे पीछे की तरफ फोर्स देते चलते हो, याद है ना, मतलब देख चलते हुए आपने आपको देखा होगा ना, पीछे की तरफ आपका पाँव जो रहता है सरफेस पे, पीछे की तरफ फोर्स दे के चलते हो, ठीक है, तो जो भी फ्रिक्शन रहता है वो आगे की तरफ लगता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही बस के कंडीशन में यही चीज़ होती है। तो अब जैसे ही बस यहाँ पे आगे हुआ, एक्सेलरेट हुआ, ये बस इनिशियल था, ये इनिशियल ही था बस, और एक्सेलरेट हुआ तो ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये होता है बस के कंडीशन में, तो इनर्शिया की वजह से अपना बॉडी जो है उधर का, जैसे ये इनिशियल कंडीशन था, एक्सेलरेट इधर हुआ तो बॉडी अपना उधर ही रहता है और पाँव आगे चला जाता है, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना फ्रिक्शन फोर्स अपना किधर लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। फिर आप, आपके अंदर जो मस्कुलिन फोर्स होता है, आप फिर उस मस्कुलिन फोर्स से आप बॉडी को सीधा कर लेते हो, जैसे बस एक्सेलरेट होता है, ठीक है। तो यही था आपका बस का एग्जाम्पल, तो ये भी नोट करना है, बहुत डीप में है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत डीप में। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है आपका 5.1 एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो जा रहा है स्पेसशिप में, स्मॉल स्पेसशिप में जा रहा है, तो जो स्पेसशिप है वो एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है, मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है स्पेसशिप की 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, अच्छा, मतलब जब स्पेसशिप से एस्ट्रोनॉट बाहर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा,
तो एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या होगा? अब सीधी सी बात है, एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट पर जो टोटल फोर्स है वो जीरो लगेगा स्पेस में। अभी मैंने स्पेसशिप का एक एग्जांपल भी लिया था ना इसके, अभी आपको जब समझा रहा था, तो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट पर एग्जांपल फोर्स लगेगा वो टोटल फोर्स जीरो लगता है, नेट फोर्स जीरो लगता है। तो इसकी वजह से बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो एक्सेलरेशन जो रहेगा एस्ट्रोनॉट पे वो जीरो रहेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका 5.1 एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.5 टॉपिक से करेंगे, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।